मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का एक और व्लॉग पे आपका स्वागत है। और आज का व्लॉग ऐसा कुछ होने वाला है कि चांद बावड़ी अबानेरी जो कि दौसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है वहाँ हुए, और आपको एक चीज दिखाएंगे। तो व्लॉग पर बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ मंदिर, और पूरा जो बना हुआ है पूरा स्टोन से, बहुत अच्छी आर्ट की हुई है यहाँ, बहुत अच्छी आर्ट की हुई है। और पूरा है जो स्टोन से बना हुआ है अबानेरी चांद बावड़ी। बाकी ये टेंपल है, और विदेशी पर्यटक आते हैं खूब। तो गाइस ये थी चांद बावड़ी का टेंपल है। बाकी चांद बावड़ी भी आपको दिखाते हैं। देते हैं चांद बावड़ी के लिए, बाकी मंदिर फ्री है। और बाकी ये अपने 25 रुपए की एक टिकट लगती है भाई। चांद बावड़ी तो ऐसे है कि ये अपने जिला दौसा में पड़ती है, अबानेरी जगह का नाम है। और ये चांद बावड़ी पहले के टाइम में राजा महाराजों के टाइम में बनाई गई है, जो पानी को इकट्ठा करने के लिए एक तरीके से, जो पहले के जो राजा महाराजों के हर्षद माता के मंदिर के जस्ट सामने है। बाकी भाई हर्षद माता के मंदिर के जस्ट सामने ये अबानेरी चांद बावड़ी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विदेशी पर्यटक भी हैं, श्रद्धालु के साथ साथ जो यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु वो भी इसका आनंद ले रहे हैं। तो अभी गाइस आगे मिली हम सब, चलो देखते हैं फिर आगे। पानी भरा हुआ है, और सामने वो वाला मंदिर गणेश जी का है, वो भस्मासुर रिजर्वेशन के लिए। और इसके अंदर आप देख सकते हैं दो मंदिर है, जो प्राचीन टाइम के मंदिर है, जिनके ऊपर जो कुछ जो सब रुके हुए हैं उनका इतिहास नहीं हम जान सकते हैं, हमें मालूम नहीं इसके बारे में, लेकिन इतना पता है कि इसके रिजर्वेशन के लिए पानी नीचे भरा हुआ है, बारिश का पानी और ये 20 फीट नीचे गहरा हो रहा है। ये आर्ट की गई है, छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई गई हैं अंदर और बाहर। हर एक मूर्ति का जो आर्ट की गई है, हर एक का एक विशेष महत्व है, एक अलग अपना वो रखते हैं। और ये पत्थरों पर कुदेर के बनाई गई हैं, खोद कर बनाई गई है। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं
तो दोस्तों अब तक जैसा कि हमने पहले तो हर्षद माता का मंदिर देखा सामने, और जो आबनेरी चांद बावड़ी आबनेरी में स्थित है, जो बांदीकुई क्या बोलते हैं बांदीकुई में स्थित है, जो कि दौसा जिले में पड़ता है, और उसके बाद हर्षद माता के मंदिर के सामने सामने हमने देखा चांद बावड़ी देखी जो आबनेरी के अंदर स्थित है, जो मीर भोज राजा गुजर पर के आ रहे हैं उन्होंने बनवाई है। उसके बाद हमने अभी यहाँ पे काफ़ी अंग्रेज और जो विदेशी पर्यटक हैं उनसे हम मिले हैं, जो कोई थाईलैंड और जो अलग अलग देशों से आए हैं, कोई स्पेन से है, इटालियन लोग मिले हैं हमसे यहाँ पे, और उनसे पूछा भी हमने जैसा कि उन्हें कैसा लग रहा है देश में, भारत देश में आके, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। सभी इंडिया के अंदर ये बताया कि भारत देश की जैसा देश कोई नहीं है पूरे वर्ल्ड में, हिस्ट्रिकल पैलेस और मैनी कल्चर ऑफ इंडिया सबका यही था। देखा जाए तो काफ़ी देखा जाए तो अभी कभी कम से कम 100 के आसपास लोग यहाँ पे विदेशी पर्यटक। विजिट करके और आप ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपको।